जीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहें। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि डी से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि क्या है और किस तरह के व्यक्तित्व व स्वभाव वाले होते हैं डी नाम वाले लोग। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में होते हैं उस व्यक्ति की राशि वही मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा नक्षत्रों के राजा हैं, नक्षत्रों के अधिपति हैं, तो चंद्रमा जिस भी राशि में होंगे वही राशि आपकी मानी जाएगी। डी से जिस किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है उनकी राशि कर्क राशि बनती है, और ये कर्क राशि कब बनेगी? जब चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में लगन कुंडली में चार नंबर यानी कर्क राशि में होगा, तब आपकी कर्क राशि बनेगी। ज्योतिष में 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं। हर राशि में 2 या 3 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4 भाग होते हैं, यानी हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर चरण में नाम के 4 अक्षर होते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र और राशि में होता है उसी अक्षर के अनुसार जन्म नाम रखा जाता है और वो जन्म की राशि होती है। जनरली कई लोगों के नाम चंद्र की स्थिति के अनुसार ही रखे जाते हैं, इसीलिए नाम का पहला अक्षर बता देता है कि किसी व्यक्ति पर किस राशि का प्रभाव है। कर्क राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र जिनके स्वामी गुरु हैं, पुष्य नक्षत्र जिनके स्वामी शनि हैं और अश्लेषा नक्षत्र जिनके स्वामी हैं बुध। डी डू डे डो से जिनका भी नाम शुरू होता है इसका मतलब उनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। आगे जानते हैं कि डी से जिन लोगों का नाम शुरू होता है किस तरह के स्वभाव वाले होते हैं ये लोग। दोस्तों, डी नाम की जो राशि है वो है कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो शांत सौम्य और कोमलता के प्रतीक हैं। डी नाम वाले लोग कैसे हुए? डी नाम वाले लोग शांत स्वभाव के और सौम्यशाली होते हैं, क्योंकि ये लोग कोमल हृदय वाले होते हैं, इसीलिए ये आपको थोड़ा शर्मीले भी दिखेंगे। अगर कोई बात इन्हें परेशान कर रही है तो ये जल्दी से किसी से शेयर नहीं करते। हाँ, लेकिन अपनी माँ से बहुत करीब होते हैं, काफी समझदार और सूझबूझ वाले होते हैं। कहीं कोई बात बिगड़ ना जाए, किसी के साथ कोई बात खराब ना हो जाए, इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। स्वभाव से बहुत केयरिंग होते हैं। अगर इनके घर कोई आता है तो उन्हें उनके लिए खाने में क्या बनना चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, उस व्यक्ति की हर पसंद को जान लेते हैं और बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि बस उसे कहाँ बिठाना है, कहाँ उठाना है। इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और एकदम ऐसा व्यवहार, ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो बंदा जो इनके घर आ रहा है वो एकदम खुश हो जाए। अगर कोई बात हो जाती है तो अपना पक्ष बहुत ही शांत तरीके से रखते हैं। स्वभाव से ये काफ़ी शालीन होते हैं, किसी के इमोशन को चोट ना लगे इसका बहुत ख्याल रखते हैं। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और उस काम में सफलता भी हासिल कर लेते हैं। स्वभाव में जिद्दीपन होने के कारण ये अपनी जिद में जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। दीनम वालों की राशि कर्क राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा माँ के प्रतीक हैं। अगर ये लोग अपनी माँ का आशीर्वाद लेते रहें और उनका ख्याल रखें, उनकी परवाह करें, तो इनकी किस्मत तभी से ही साथ देना शुरू कर देती है। चंट, चालाकी, चातुरता इनका स्वभाव का लक्षण नहीं है, पर इनके जीवन में परिस्थितियां जो आती हैं वो इन्हें काफ़ी कुछ सिखा करके चली जाती हैं। इनका नेचर हमेशा दूसरों को प्रेरित करने वाला होता है। खुद अगर किसी काम की फिक्र कर रहे हैं तो उसको खुद ही मैनेज करने की सोचेंगे, मतलब कि दूसरों के साथ अपना दुख शेयर करने में थोड़ा ये कतराते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति ये लोग काफ़ी लॉयल होते हैं। एक बार जिस रिश्ते में पड़ जाएं तो उसको पूरे दिल से निभाते हैं। अगर किसी ने प्यार से 2 बात क्या कर ली, ये उसको अपना मान बैठते हैं। काफ़ी इमोशनलिस्ट होते हैं और यही वजह है कि कभी कभी ये भावुकता में आकर के गलत निर्णय भी ले लेते हैं। किसी भी काम को करने का इनका एक अपना अलग तरीका होता है और अपने काम में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते और ना ही ये किसी के काम में बीच में घुसते हैं।
अपने काम का क्रेडिट किसी को भी देना पसंद नहीं करते, इसीलिए बिना किसी की सहायता के ही काम करना पसंद करते हैं। अपनी लाइफ में लव, रिलेशन, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग। तेज दिमाग के साथ साथ ये लोग काफी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, ज्ञान का तो पिटारा होता है इनके पास। जो चाहे आप किसी भी फील्ड की समझ आप इनसे ले सकते हो, इसीलिए ये एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखे जा सकते हैं। अपने मान सम्मान के प्रति ये काफ़ी सजग होते हैं और साथ ही साथ अपनी माँ के प्रति इनका एक खास लगाव देखने को मिलता है। कर्क राशि का आप सिंबल देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो उसमें सिंबल है वो केकड़े का है। केकड़ा जब किसी जीव को अपने पंजों में जकड़ लेता है तो उसे आसानी से छोड़ता नहीं है, उसकी पकड़ और मजबूत होती चली जाती है। ठीक उसी तरह से डी नाम वाले लोगों के मन में एक बार जो विचार घर कर जाए उसे ही सही मान करके चलते हैं। दोस्तों आइए आगे हम बात करते हैं कि डी नाम वालों के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। दोस्तों डी नाम वालों के लिए बेस्ट डायरेक्शन बनती है नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये मैंने आपको जानकारी दी डी नाम वालों के बारे में, किस तरह के व्यक्तित्व व स्वभाव वाले होते हैं ये लोग। अगर आप अपने बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को जरूर देखना चाहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।